हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया और ब्लॉग लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको एक और मकबरा दिखाने वाला हूं, जिसे सफदरजंग का मकबरा कहते हैं। बेसिकली सफदरजंग के मकबरे को हर कोई नहीं जानता, ज़्यादातर लोग सफदरजंग हॉस्पिटल और सफदरजंग इनक्लेव के बारे में ही जानते हैं। लेकिन सफदरजंग जो थे, ये इनका भी एक मकबरा है, जबकि ये कोई राजा नहीं थे, लेकिन ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो मुगल पीरियड के थे। तो आज मैं इनके आपको मकबरा पूरा घुमाने वाला हूँ। वहाँ इनकी सफदरजंग की और उनकी वाइफ की यहाँ पे कब्र है, और तो मैं चलता हूँ आपको मकबरे के अंदर लेके। और ये मकबरा बहुत ही प्यारा बना हुआ है, और ये मुग़ल दौर का सबसे लास्ट पीरियड का मकबरा है। इसके बाद जो था इंग्लिश दौर आ गया था, मतलब अंग्रेज़ों का दौर आ गया था, और ये सबसे लास्ट मकबरा है। इसके बाद कोई मकबरा नहीं बनाया गया। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट गेट से अंदर आते हैं तो आपको ये शानदार मकबरा ऐसे दिखाई देता है, जिसकी वाइट गुम्बद है संगमरमर की और लाल बलुआ पत्थरों से इस पर और बाकी काम हुआ है, दोनों की मिक्स कारीगरी है। और ये चारों तरफ जो है हुमायूं टॉम के ज़रा चार बाग शैली, मतलब जिसके चारों तरफ बाग होते हैं और बीच में ये फाउंटेन वाली पानी वाली जगह होती है, उसे चार बाग शैली कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर फाउंटेन है, फवारे जिसे बोलते हैं, और ये चारों तरफ इसके मौजूद हैं। ये देखिए, अभी तो ये चल नहीं रहे, जब लेकिन चलते हैं तो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो है, ये पूरे फाउंटेन हैं, फवारे हैं, और पीछे ये हरियाली है। और बेसिकली इसकी बात ये है कि ये जो टॉम है ना, ये इतना फेमस नहीं है, तो यहाँ पर पब्लिक बहुत कम आती है, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं। तो यहाँ पे पीसफुल माहौल रहता है, शांति रहती है, और बिल्कुल शांत माहौल है, हरियाली है, चार बाग हैं, और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर कपल्स यहाँ पे आना चाहते हैं तो कपल्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है कपल्स के लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसलिए बहुत कम लोग आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई अच्छी जगह ढूँढ रहे हो, पीसफुल जगह ढूँढ रहे हो घूमने के लिए, तो आप बिल्कुल सफदरजंग के टॉम पे आइए और यहाँ देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये एक तीन मंजिला इमारत है, मैं आपको कभी करीब से दिखा रहा हूँ, ये पूरी गुंबद है इसके ऊपर, और ये एक तीन मंजिला इमारत है, बिल्कुल हुमायूं टॉम की तरह ही है, इसमें हुमायूं टॉम की तरह ही बनाया गया है, लेकिन उससे छोटा है। ये नीचे देखिए, नीचे आराम गाहें हैं, रेस्ट रूम जिन्हें बोलते हैं, अब तो ये बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये कभी किसी दौर में खुले होते थे। तो अब मैं जाने वाला हूँ इसके ऊपर, और जहाँ पे सफदरजंग की कब्र है, तो चलते हैं इसके अंदर, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी गुंबद है, इसमें वाइट संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों का यूज़ हुआ है, ज़्यादातर इसमें लाल बलुआ पत्थरों का ही यूज़ किया गया है, संगमरमर का तो कहीं कहीं यूज़ किया गया है। और आप इस बिल्डिंग को देखो, ये चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी बिल्डिंग है, बिल्कुल एक जैसी बिल्डिंग, जैसे हमारे टाउन के चारों तरफ एक जैसे गेट हैं, एक तरह से गेट ही इसके हैं। और अब मैं इसको ले जाने वाला हूँ आपको इसके अंदर, जहाँ पर कब्र है वहाँ चलते हैं। और ये देखिए, ये कितना शांत इलाका है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, बिल्कुल लिमिटेड लोग, तो यहाँ पर आप आ सकते हो, घूम सकते हो।
ये जो कब्र है ये है सफदरजंग की कब्र और उनकी वाइफ की कब्र भी यहीं है। बेसिकली ये जो टूम होती है ना, तो ये डुप्लीकेट होती है। जो रियल कब्र होती है, रियल बॉडी होती है, वो नीचे होती है ज़मीन में, ये ऊपर जो है डुप्लीकेट बनाई होती है। ये देखिए आप, इसमें ये मुग़ल कालीन की सारी छवियाँ दिखाई देती हैं। और ये जो आप ऊपर खिड़कियाँ देख रहे हो ना, ये जो विंडो हैं, यहाँ ऊपर जाने का एक रास्ता है, क्योंकि ये डुअल मंजिल इमारत है। उसको मैं रास्ता आगे दिखाऊंगा, अभी तो ये रास्ता बंद किया है आम पब्लिक के लिए, पहले खुला हुआ होता था। ये जो मेरे पीछे जो है ना, ये है वो रास्ता जिसमें सीढ़ियां हैं और ऊपर जाया जाता है जिसे। अब ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, आम पब्लिक के, जो यहाँ के लोग देखने वाले हैं वो ही यहाँ पर जा सकते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू है, चार बाग शैली, जिसे चार बाग शैली कहते हैं ना, चारों तरफ एक बाग होता है हरा भरा, ये रहा चारों तरफ हरा भरा बाग है। बीच में ये फाउंटेन है, अब इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब पानी होता है चलते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, ये कंप्लीट इसका व्यू है। बहुत ही खूबसूरत है यार, बड़ी शांति और पीसफुल जगह है ये। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। बहुत बार सफदरजंग निकले के आगे से मैं निकल गया हूँ, मुझे भी नहीं पता था इतनी अच्छी जगह है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए जो सामने वाली आप गुंबद देख रहे हैं ना, वो मस्जिद की गुंबद है, ठीक है। उसमें उस साइड में देखेंगे आप तो मोती महल है, और किले की उस साइड देखेंगे दूसरी साइड इसके टॉम के, तो इधर जंगल महल है। और इसके उस साइड में, पीछे की साइड में देखेंगे, जो पीछे की साइड में वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये वाइट वाली बिल्डिंग, ये है बादशाह का पसंदीदा महल से बोलते हैं। तो इस टूम का जो निर्माण कराया था वो 1754 में सराजुद्दौला, जो सफदरजंग के बेटे थे, उन्होंने कराया था, और उसी साल में ये पूरा हो गया था। और सफदरजंग जो थे वो कश्मीर, आगरा और अवध के सूबेदार थे, और मुगलिया सल्तनत में, उसी दौर में मुगलिया सल्तनत के अंदर ये पहले प्रधानमंत्री थे, जो भारत के, पूरे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और लेकिन ये अधीन थे मुगलिया सल्तनत के। और इनका जो नाम था वो अब्दुल मंसूर मुकीम अली खां था, जो सफदरजंग का पूरा नाम था। वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, क्योंकि अब इस इमारत को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है, तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और यहीं पर उन्होंने ऑफिस ही बनाए हुए हैं, जो रंग महल और मतलब जंगल महल वगैरह है, उसमें उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं अपने, तो बहुत ही अच्छे देखता है। और जिस भी बिल्डिंग को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रहा है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जाती है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन की जाती है। आप देखिए मेरे पूरे चारों तरफ कितनी शांति है, सुकून है, और कपल्स के लिए तो ये भाई मोस्ट फेवरेट जगह है। आप जितना चाहे यहाँ पे आइए, घूमिए, फोटोग्राफी कीजिए, मतलब कि पूरा एक व्यू है, शांत है, पीसफुल। आप यहाँ पे आते हो ना, बड़ी शांति से मिलती है, एकदम बिल्कुल शांति से मिलेगी आपको यहाँ पे आगे। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, और फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।